अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अपने देश में भी आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया। असल में पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को आतंकवाद की पनाहगाह बताया था, जिस पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भड़क गई, जो देश की सत्ता संभालने के बाद अपनी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मान्यता दिलाने में जुटी है। उनकी कोशिश है कि दुनिया के बाकी देशों से रिश्ते बेहतर किए जाएं, ताकि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इसलिए शहबाज शरीफ के बयान से तालिबान और अफगान नेताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तालिबान ने शहबाज के दावों को झूठा करार दिया तो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान पर पिछले कई बरसों से अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया। जबकि तालिबान के सत्ता में आने से पहले अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति रहे अमरुल्ला साले ने शहबाज शरीफ के बयान को तालिबान सरकार के अच्छे प्रदर्शन की झुंझलाहट बता दिया। मतलब ये कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को यूएन के मंच पर बचाने के शहबाज शरीफ के पैंतरे ने उनके लिए बखेड़ा खड़ा कर दिया और अफगानिस्तान ने आतंकवाद पर पाकिस्तान का झूठ दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। असल में अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तल्खी बढ़ी है और इस आग में घी डालने का काम किया शहबाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र में दिए भाषण ने, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद पर चिंता जताई थी और वहां मौजूद इस्लामिक स्टेट खुरासान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे दूसरे आतंकी संगठनों को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया था, जिससे भड़के अफगानिस्तान ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गोद में पल रहे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे खूंखार आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की नसीहत दे दी।